लड़की ने मतलब काम किया सिलाई का, जब लड़की ने सिलाई का काम किया तो लड़कियों ने काम करा जब तक करा, और फिर वे ससुराल चली गई तो हमने पकड़ा ये काम। तो हम इससे काम कर रहे हैं तो हमारे को बहुत अच्छा इनमें लाभ मिल रहा है। पहले महिलाओं को जरूरत के लिए पति पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन आज वर्तमान में महिला सतत हो रही है। हमारे राजस्थान के देलोड़ा गांव में महिलाओं को पहला चूल्हा चाकी, जंगल से लकड़ी काटना, घास काटना ऐसे कार्य करने पड़ते थे, लेकिन महिलाओं ने सिलाईकारी पेच वर्क से होने वाली आमदनी से अपने परिवार के बच्चों की जरूरत के अनुसार चीजें ला सकती है और खुद भी एक तरह से आत्मनिर्भर बनी। तो किस तरह आपके आपके जीवन पर, आपके परिवार पर इस काम से आपको प्रभाव पड़ा और बदलाव आया आपके यहाँ पे आपके जीवन में? हमारे बहुत बदलाव आया इससे। तो जैसे मतलब हर चीज में हम हमारा खर्चा हम उठा सकते हैं। जैसे हमने कोई काम भी करे हैं, शादी भी करी है, इनों में खर्च में हमने काम किया। मेरी लड़की की शादी करी तो उसमें भी मैंने इससे काम कर रही हूँ, ये सिलाई कर। पहली बसंती भाई जोड़ा, फिर बाद में हमें देखा कि ये इतने पैसे आ रहे हैं तो ये अपने आपे पे काम कर रहे हैं, तो हम भी इनके देखा देखा हम भी जुड़े, तो हम भी काम करते। हमारे पति बार बार रहते, पैसे की जरूरत पड़ती, बच्चा बच्ची पढ़ते, तो हम उन पैसे हम ये जुड़ के पैसे कमाते, बच्चा बच्ची का ही देते, हमारा गुजारा ही चलाते, साग सब्जी ही लाते, और जरूरत पड़ जाती तो और भी हम। ढाई साल से जब यहाँ पे सेंटर बन गया है तो अब यहीं पे आती है देलवाड़ा में, मैं ही इनका सुपरविज़न देखती हूँ और इनके हाथ के काम की क्वालिटी चेक करती हूँ। ये महिलाएं आ जाती हैं यहीं पे और सैंपल बना के लेके जाती है और फिर घर ले जाके काम करती है, और फिर जब भी उनका काम बन जाता है वो लेके आती है, फिर उसकी क्वालिटी देख के और हम जमा कर लेते हैं काम को, फिर नया काम दे देते हैं। और इनका पेमेंट महीने में एक बार बैंक में जाता है, फिर बैंक से ले आती है महिलाएं, और पीएफ भी कटता है इनका। टैप इंडिया की हमारे पर नज़र साधना पर पड़ी कि साधना काफ़ी महिलाओं के लिए काम कर रहा है, और उसके शोरूम से हमारे जो गारमेंट्स बन रहे थे उनके शोरूम में शोकेस होने लगे, और उससे साधना धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता आज 700 महिलाओं का परिवार है, और इससे महिलाओं का फाइनेंशियल एज वेल सोशल डेवलपमेंट काफ़ी हुआ है। मैं सभी महिलाओं से निवेदन करता हूँ कि वो भी इस तरह काम करके स्वयं आत्मनिर्भर बने, ताकि उनको दूसरों के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े। मैं शंभुराज तंवर देलोड़ा से, इंडिया अनहट के लिए।